students, today we are going to start the numerical portion of the 8th unit. तो इसमें ज़्यादा numerical नहीं आते हैं, मैं दो तीन numerical करवा देता हूँ, उससे आपको idea मिलेगा कि इस तरह से numerical पूछ सकता है. The energy of electron in hydrogen atom is given by EM is equal to -13.6 एम स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5. सो दैट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक तो ये शो करना है कि इतनी एनर्जी नहीं हो सकती -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड है स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस विद इन द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम डिक्रीज एज एन इंक्रीज. दूसरा ये शो करना है, निकालना है कि जो हाइड्रोजन लाइंस सॉरी एनर्जी की जो स्पेक्ट्रम लाइंस बनेगी वो उनके बीच का जो स्पेस है वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले E1, E2, E3 ये निकालते हैं. E1 आएगा माइनस का 13.6 वन स्क्वायर, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. फिर E2 निकालने के लिए N की जगह 2 लिख देते हैं. E2 आएगा 2 का स्क्वायर, E3 आएगा 3 का स्क्वायर, E4 आएगा 4 का स्क्वायर. तो ये वैल्यूज जो आपकी आएंगी ये आएंगी, E1 आ गई -13.6, E2 आएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 आएगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 आएगी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एक तो ये शो करना था कि इतनी एनर्जी नहीं हो सकती. तो आप यहाँ देख सकते हो 13.6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके बाद डायरेक्ट 3.4 है. तो इनके बीच में कहीं पे -6.8 होना चाहिए था, लेकिन वो इसके बीच में पॉसिबल नहीं हो सकता. फर्स्ट ऑर्बिट के बाद डायरेक्टली सेकंड ऑर्बिट की इतनी होती है. दूसरा स्पेस, तो देखो इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल है इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट. तो ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन हियर. ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है गिवन है क्वेश्चन में. कौन से ऑर्बिट में गया,
देखो एच भी कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट लैम्डा उसने दे दिया, ये निकाल के देख लेते हैं, फिर देख लेंगे कि इनमें से कौन सा एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो उसके लिए सुटेबल होगा। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं एच की जगह, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 × 10^-34, ये 3 × 10^8, और ये लैम्डा जो है इट इज गिवन 102.7 नैनोमीटर है, तो 10^-9। यहाँ से ये जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी 1.935 × 10^-18 जूल। जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10^-19 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना एनर्जी का डिफरेंस कहाँ पे हो सकता है, इन दोनों के बीच तो इतना नहीं है, ये तो खुद ही बहुत छोटे छोटे हैं, इन दोनों के बीच भी नहीं हो सकता, इनके बीच भी नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं। 1.5 − − + 13.6, जब ये आप करोगे सो तो 12.1 आएगा, तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन जो था वो ये डी ट्रांजिशन था, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है इन ए जीजर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज गिवन 80, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ, उसकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है 8 MeV, एनर्जी इट मींस ऑन इट बिफोर इट कम मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्स ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है क्या कि जब वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आएगा तो उस इंस्टेंट जब वो उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच पे होता है तो उस इंस्टेंट क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 mv². पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, Ze × mv, Ze मतलब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई 4πε0, आर की जगह क्या लेंगे R0 क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही निकालना है। तो यहाँ से आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ze² / 4πε0 सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड का मतलब क्या है 80, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है 1.6 × 10^-19 और उसका स्केयर है डिवाइडेड बाय 4πε0 है, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10^9। नीचे 1/2 mv² है तो ये एनर्जी है, एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 mv², ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेगा है, इसलिए 10^6 आएगा पहले तो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 × 10^-19 आएगी। तो ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 8 × 10^6 × 1.6 × 10^-19। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको आपका ये वैल्यू आएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो आएगी 2.82 × 10^-14 meter, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका ये एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, हाँ
The ground state energy of hydrogen atom is 13 minus 13.6 electron volt. Ground state की energy दे रखी है minus का 13.6 electron volt. If an electron make a transition from an energy level of, अभी नहीं बता कि वो कौन सा orbit है, ऐसे मान लिया कि वो जहाँ से चला उसका नाम first orbit, ऐसे मैंने नाम दे दिया N1. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन कहाँ से होता है कि एक उसका ट्रांजिशन होता है एक ऐसे एनर्जी ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी वाले ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन निकल के इतनी एनर्जी वाले ऑर्बिट के पास गया. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इमिटेड और फिर उसके बाद बताना टू विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ बिलोंग्स. अभी देखो सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी, वो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो किस ऑर्बिट से गया, निकल के किस पे गया है ये पता लगाते हैं. वो कैसे पता लगा सकते हैं, हमें एक बात का पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी लेवल हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, माइनस का 13.61 का स्क्वेयर. और ये क्या बताता है हमें कि आप फर्स्ट का निकालो, सेकेंड का निकालो, थर्ड का निकालो, उसके बराबर एन की वैल्यू आप फुट करके चले जाते हो. तो यहाँ से अगर मुझे इसका ऑर्बिट पता करना है तो ये एनर्जी है -0.85. मान लिया ये N1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है उसका नाम मैंने N1 मान लिया. तो यहाँ से सोल्व करने से मुझे पता चलेगा कि वो कौन सा ऑर्बिट था, ये इससे कट गया. तो N1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 13.6 डिवाइडेड बाई 0.85. यहाँ से N1 की जो वैल्यू आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 4. तो इसका मतलब वो जब इनिशियली जिस ऑर्बिट में था वो 4th ऑर्बिट में था. सिमिलरली जिस ऑर्बिट में वो गया उसको भी निकालेंगे. तो जिसमें गया उसकी एनर्जी को इक्वेट कर देंगे माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई जिसमें गया उसको मैंने अभी एक बार के लिए N2 मान लिया. तो ये N2 का स्क्वायर 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4. यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू आएगी 2. तो इसका मतलब वो आउटर मोस्ट 4th ऑर्बिट से इनर मोस्ट 2nd ऑर्बिट में जाएगा. अब अगर वो आउटर मोस्ट 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा. तो एनर्जी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं -0.85 - -3.4. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतनी एनर्जी आएगी. यहाँ से इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटू न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा. तो इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2.55 × 1.6 × 10⁻¹⁹. तो इधर से लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इंटू में सी, चलो मैं एच की भी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 6.6 × 10⁻²⁴ सी की वैल्यू 3×10⁸ डिवाइडेड बाई 2.55 × 1.6 × 10⁻¹⁹. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.852 × 10⁻¹⁷ मीटर. और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4.852 एंगस्ट्रॉम, जो कि 1 मीटर = 10⁻¹⁰ − 10 एंगस्ट्रॉम. तो इतनी जो वेवलेंथ है दिस बिलोंग्स टू द विजिबल रेंज. तो सेकंड पार्ट उसने पूछा था कि ये कौन सी रेंज में आएगा ये, तो ये विजिबल रेंज में आएगा. वेवलेंथ देख के हमें पता चलता है कि कौन सी रेंज की वेवलेंथ है. तो इस यूनिट में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, एक्चुअल में दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट. तो मैंने 4 न्यूमेरिकल आपके करवा दिए हैं, इस तरीके से पूछ सकता है, इससे आपको आइडिया मिला होगा. तो आप प्रैक्टिस करना, कल से हम 6th यूनिट ऑप्टिक्स शुरू करेंगे.